मेडिकल कॉलेज से संबद्ध दोनों बड़े अस्पतालों में दूसरे दिन भी सर्वर डाउन हो गया, जिसके चलते एमबीएस और जेके लॉन में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लोग खड़े खड़े परेशान होते रहे। इस दौरान रजिस्ट्रेशन रसीद पर्ची सहित जांच पर्ची का काम भी ठप हो गया। मजबूरन काउंटर पर तैनात कार्मिकों को हाथों से पर्चियां बनानी पड़ी। समय ज्यादा लगने के कारण मरीजों को लाइनों में लगे रहना पड़ा। बीपीएल और भामाशाह मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि एमबीएस अस्पताल में नए सॉफ्टवेयर IHMS यानी एकीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के तहत मरीजों की जांच की पर्चियां काटी जाती है। नेट बंद होने से आए दिन सॉफ्टवेयर में काम नहीं हो पाता, इससे मरीजों को यहां परेशानी उठानी पड़ती है। कमोबेश नए अस्पताल में भी यही हालात देखने को मिलते हैं। यहां भी नेट की स्पीड नहीं आने के कारण अक्सर यहां सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे ऑनलाइन पर्चियां नहीं काट पाते। छाव नीचा है, मम्मी को दिखाना है। कितना टाइम हो गया आपको खड़े हुए? 1.5-2 घंटे हो गए। अभी नंबर दिया आपने? नहीं। पता है क्या 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 प्रॉब्लम आ रही है? कंप्यूटर चल नहीं रहा। कंप्यूटर नहीं चल रहा? हाँ। फिर आप खड़े हैं यहाँ? तो लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे 2 घंटे हो गए। माता जी थोड़ा सा आगे हुई आप जी। क्या करने आए? किसको दिखाने आए? कहाँ से? मेरे को ही दिखाने आए, आंखें दिखाने आए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जैसे कुछ भी नहीं बोला, लाइन में खड़े हैं अभी तो। नंबर ही लिया, पर्ची नहीं बन पा रही? नहीं बन पा रही। कल सर्वर कल भी डाउन हो गया था, आज भी डाउन हो गया। कि जयपुर से डाउन हो रहा है बार-बार, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत स्लो चल रहा है। मोस्टली काफ़ी टाइम से भीड़ लगी हुई है, लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि मैनुअली काम करना पड़ रहा है। बट मैनुअल में भी मोस्टली ये है कि जो लोग है काफ़ी टाइम तक उनको खड़े रहना पड़ता है मैनुअली के लिए भी। सारे सभी सिस्टम ये बताया जा रहा है कि शायद जयपुर से बंद हो रहा है। कितना टाइम हो गया बंद हो गया अभी? अभी भी सुबह मतलब 10:30 या 9:30 या 10 बजे के बाद से बिल्कुल स्लो हो गया। कल भी समस्या आई थी।